परिवार भी अपना बता दे और वो कह दे कि साहब हम लोग शराबबंदी के पक्ष में हैं और जहरीला शराब पिए हैं, ये दुख की बात है और हम लोग भी प्रेरित लोगों को करेंगे कि मत पियो, ये कहते हुए वो अपना भेज देगा कि हम लोगों को तकलीफ है, तो हम लोग बिल्कुल सरकार की तरफ से उसके परिवार को हम सोच लिए हैं कि हम 4 लाख रुपया उसको हम मदद कर सीएम रिलीफ फंड से हम कर देंगे मदद। और अभी ही नहीं, हम शुरू से ही जितना लोग भी हुआ है जहरीले शराब से, अब वो सब उसके परिवार का लोग लिख करके देगा और लोग पकड़ा गया जो भी कहेगा उसको भी हम लोग ये देख ही रहे हैं और कई लोग जगह पकड़ाया ही है, तो उसके बाद होगा। क्योंकि हमको अब इधर लगातार जो हम दो तीन साल में देखे कि कुछ ज़्यादा ही इतना कहने के बाद भी हो रहा है, तो अब एक तो अब मान लीजिए साधारण परिवार है, गरीब परिवार, उसका कोई कुछ काम करता है, पी लिया जहरीला शराब, उसका डेथ हो गया, ये हो गया, तब उसके परिवार को अगर वो लोग लिख करके दे देगा और तो उसके बाद हम उसको मदद कर देंगे। गिरफ्तारी क्यों लोगों का डर रहता है सर? देखिए ना, गिरफ्तारी की बात नहीं है, इन लोगों को बता देना चाहिए। बात ये है, वो तो शराब पीना तो गलत चीज़ है ना, तो कोई शराब पीता है तो पकड़ाता है, अभी जहरीला पी करके तो मर गया, तब उसका क्या होना है, वो तो डेथ हो ही गया उसका, तो एक तो गलत चीज़ हो ही ना गया उसका, तो अब कम से कम उसको, अरे पी करके जो गिरफ्तार हुआ पीने वाले को नहीं, हम लोग तो बार बार कह रहे हैं और कितना ज़्यादा पहले की तुलना में शराब पीना लोग छोड़ दिए हैं, धीरे धीरे कितना बढ़ता चला जा रहा है, तो बहुत अच्छा है। हाँ, तो इतना ज़्यादा हो गया है, तो इस सब चीज़ के बाद अगर इस तरह का कोई आदमी, और एक बात तो हम हमेशा कहते हैं ना कि देखिए कोई भी काम आप करिएगा 100% तो कभी नहीं न हो सकता है, कुछ ना कुछ तो इधर उधर, तो हम लोग प्रेरित कर रहे हैं, लेकिन इसका देख करके भाई असाधारण गरीब का हमको बड़ा तकलीफ हुआ कि भाई इतना ठीक नहीं, उसका परिवार का लोग करेगा, उसको तकलीफ में आ गया है, वो एश्योर करेगा कि हाँ साहब ये सब ठीक नहीं है और नहीं करना चाहिए, और उसके बाद उसको नुकसान हो रहा तो उसको हम उस परिवार को मदद कर देंगे, ये हमने सोच लिया। तमाम लोगों को आप लोग, हाँ मोतिहारी का तो अभी जो घटना घटी थी सब और ख़राब लगा, इसके पहले भी हमको खराब लगा था, लेकिन अब लगातार हो रहा है, इतना ज़्यादा अभियान चला है, अब बोलिए ना 21 के एंड में हुआ था, तो कितना ज़्यादा हम 22 में पूरे बिहार में घूम घूम करके, आपको याद है ना, हालांकि कोरोना आ रहा था, समाज सुधार अभियान चला के लोगों को कितना हम किए, ये सब किए, आई सब के बावजूद अभी हुआ तो हमको इतना लोग मेहनत कर रहे हैं, सब जगह गड़बड़ करने वाले को भी देख रहे हैं और कहीं भी कोई बाहर से शराब लाता है उसको ध्वस्त करते हैं, सब तो कर ही रहे हैं लोग, लेकिन इसके बाद भी अगर कुछ हो जा रहा तो बड़ा दुख हुआ है, तो हम इसलिए उसके परिवार को तो हम मदद कर रहे हैं, ये बात हमने सोच लिया, तो ये हम आप लोगों को बता देना चाहते हैं, ये हम 2 दिन पहले ही इन सब लोगों के साथ बातचीत कर दिए है, अब पूरा डिटेल आज तो आप लोगों को हम जनरल बता दिए, पूरा का पूरा ये डिटेल ये सब लोग बैठ करके डिपार्टमेंट की तरफ से ही ये कर देंगे और ये रिपोर्ट भेज देंगे हमारे ऑफिस को और वहाँ से हम उसको सीएम रिलीफ फंड से, और जितना अभी तक का हुआ तो जितने का भी केस और आ जाएगा उसके परिवार का उस सब को हम दे देंगे, ये हम सोच लिए। पहले दिन की मौत भी उन लोगों को बात नहीं है, उसकी बात है मौत न होती है, अरेस्टिंग तो उसकी है कि जो शराब का धंधा करेगा या कोई शराब पीता है, मना किया जाता है, कानून है जी, तो सब तो अपना देख ना लीजिए, राष्ट्रीय संविधान तो देख लीजिए, कानून जो बना है नेशनल लेवल पर आज से नहीं जब से बना, और उसके बाद राज्यों को अधिकार दिया गया, विभिन्न कई राज्यों ने किया है, हम लोग भी किए हैं, एक बार पहले भी हुआ था रुक गया, फिर दोबारा हम कर दिए हैं और 7 साल हो गया, 8वां साल शुरू हो गया, तो इतना तो हम लोग कर रहे हैं मेहनत, तो ये सब तो अलग चीज़ है, गलत करेगा तो उसको तो होना ही चाहिए सजा, वो तो एक अलग चीज़ है, लेकिन अब इस तरह से मर रहा है, हम तो बराबर सब जगह बोलते हैं कि शराब बड़ी बुरी चीज़ है, बापू ने क्या कहा था याद तो करो, और इसके बाद जो रिपोर्ट आई है पूरे दुनिया भर का WHO का, वो भी हम सबको बताते हैं कि कितना खराब चीज़ है, लेकिन इसके बाद भी अपने बिहार में लोग अब इस तरह से हो जाता, हम उसको मदद तो कर देंगे, लेकिन भाई एश्योरेंस दो, सब अपने आप कहे
अपने परिवार के लोग अगल बगल सब लोगों को कहें ये सब चीज़।